तो हमारा कमाल जो है लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट, और उसके बारे में लगभग सभी लोग जान ही गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिशा अरोड़ा है, सहारनपुर से ही बिलोंग करती हूँ, और बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो अभी आप सभी लोग ले भी रहे होंगे और आने वाले टाइम में हम बहुत सारे लोगों को पहुंचा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा और भी जाएगा। तो जैसे हमारा जो CMD है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं बात करती हूँ पानी के बारे में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग 75% जो है ना कॉन्टेक्ट के अंदर हमारा पानी ही होता है, यानी हमारा जो है उसके अंदर पानी यानी वाटर ही होता है। तो आज के टाइम में अगर हम शुद्ध हवा, शुद्ध संतुलित आहार की बात करें, और या शुद्ध हवा, शुद्ध पानी जो भी है, तो उसके लिए अगर बात करें तो आज के टाइम में हमें वो बिल्कुल शुद्ध नहीं मिल पाता। यानी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस जो होता है ना, तो फ्रेंड्स उसके अंदर अगर बात करी जाए तो 11,000 हवा, ऑक्सीजन एयर टेक करते हैं हम लोग पूरे दिन के अंदर। इसके जो है, इसके साथ ही कहते हैं ना, साथ में 2 से 3 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कार्य करने के लिए, क्षमता के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो 3 से 5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, है ना। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जगह पर हम जब अलग अलग मिट्टी देखते हैं, तो क्या होता है कि मिट्टी और पानी की अलग अलग बात होती है। हर जगह की मिट्टी का अलग हिसाब होता है, यानी कि कहीं हम बाहर जाते हैं तो उसी पानी से हमारा जो डाइजेशन होता है वो अलग हो जाता है मिट्टी के कारण। तो क्या होता है कि उसी पानी से हमारा डाइजेशन जब चेंज हो जाता है, तो वहीं अगर हम पानी को चेंज करते हैं तो क्या होता है, कंस्टिट्यूशन की प्रॉब्लम हमारे को शुरू हो जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर मिट्टी और उसकी वजह से यह सब होता है। और आपने अभी देखा होगा कि सरकार ने अभी कुछ रूरल जगह पे, यानी ग्रामीण क्षेत्र आपने देखे होंगे, तो वहां पे क्या करा, हैंडपंप पे यानी नल के जो एंटीफाइड एक इस कह ना स्पेसिफिक कलर से, यानी कि कुछ स्पेशल कलर से उसको रंग दिया है, यानी कि जिसमें कि जहरीले पदार्थ मौजूद होते हैं। तो आज के टाइम में जो पीने का पानी होता है वो हमें मिलता है नदियों से, झरनों से, या तालाबों या कूपों से। तो जितने भी मीठे पानी के सोर्स हैं, इनके अंदर पोल्यूशन के बढ़ने से जहरीले तत्व तो हमारे जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए इस पानी को पीने से पहले हमें अब जो है साफ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, पानी को साफ करने के लिए अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है RO, यानी कि रिवर्स ऑसमोस, यानी और क्योंकि उसको RO भी कहते हैं लग शॉर्ट उसमें में। तो एक ऐसा प्रोसेस है ये कि पानी की अशुद्धियों को ही बाहर कर देता है। लेकिन इसका जो एक साइड इफेक्ट भी है, ये उसका साइड इफेक्ट क्या है कि यह है कि अशुद्धियों के साथ साथ जो जरूरी मिनरल्स होते हैं ना, वो हमें मिलने वाले होते हैं, वो भी बाहर हो जाते हैं इस पानी के साथ साथ। तो RO के कारण ये हो जाता है। तो और पानी सिर्फ एक प्यास बुझाने की चीज ही रह जाती है, यानी कि हम उससे सिर्फ अपनी प्यास ही बुझा पाते हैं, और उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता, क्योंकि मिनरल्स उसमें खत्म हो जाते हैं। तो क्योंकि पानी बहुत अच्छा काम कर देता है, अगर उसके अंदर मिनरल्स हो, और मिनरल्स भी हमें बहुत तरीके चाहिए होते हैं, यानी कि जैसे अलग अलग जेफ्रिकल कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कुछ मिनरल होते हैं, खास मिनरल ही हमें मिल पाते हैं उस पानी से, जो कि ज्यादातर हमारे को नहीं मिल पाते। अब बात करते हैं, बात यहाँ पर आती है कि मिनरल्स की पूर्ति हमें कैसे की जाए। तो अगर पानी को हम ब्रॉडली देखा जाए तो पानी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि पहला, पानी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसका TDS कितना है। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि उसका TDS कितना है, और पानी के अंदर मौजूद मिनरल कितने हैं। यानी कई बार कुछ खास मिनरल होने की वजह से TDS तो हाई हो जाएगा, क्या हमें जरूरी मिनरल्स मिल पाते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो क्या हमारे पानी का TDS उतना है जितना हमें चाहिए। तो पानी में जो हमारे जरूरी मिनरल्स हैं, वो दूसरे पानी का pH लेवल में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम सब जानते हैं कि एसिड बेस और इसके बीच में न्यूट्रल जो होता है, यानी खाने की जितनी भी चीजें लिक्विड या एसिड होती हैं, तो या वो अल्कलाइन होती हैं। हमारी बॉडी का जो नेचुरल पीएच होता है वो 7.4 होना चाहिए। तो 7 पॉइंट अगर अगर हमारा 4 अगर pH होगा, तो हमारी बॉडी को ऑप्टिमोस तरीके से काम करती है हमारी बॉडी। और जब हम RO के द्वारा मिनरल्स को निकाल देते हैं, तो साथ ही साथ पानी जो होता है हमारा, वो हमारा एसिडिक बन जाता है जी। और फ्रेंड्स, ये एसिडिक पानी जो लगातार पीने से हमारे शरीर की एसिडिक जो रेशियो होती है वो बढ़ जाती है। तो और शरीर को pH यानी 7.4 चूंकि करना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, मैं जो बॉडी बोनस में कैल्शियम और मैग्नीशियम
जैसे मिनरल्स निकलते हैं उसको बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करती है, जिससे कि इसका इफेक्ट भी ये होता है कि हमारी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। और आज अगर ब्रॉडली देखा जाए तो शरीर में कैल्शियम की कमी पाई जाती है, और उसका मुख्य कारण जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक है। फ्रेंड्स, जो हमारा पानी, पीने का पानी है, वो अल्कलाइन नेचर में होना चाहिए। अल्कलाइन स्केल है 8 और 9 के आसपास का रहेगा, तो ये बेहतर रहेगा क्योंकि हम ऐसा पानी पीने से हमें अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक सेक्स सेक्टर और आता होता है इसके अंदर, जिसका नाम होता है ORP, यानी ऑक्सीजन रिडक्शन पॉइंट। ऑक्सीजन रिडक्शन पॉइंट माइनस होना चाहिए। माइनस क्यों क्यों होना चाहिए? ये अगर पॉजिटिव है तो ये हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स को ले लेता है, और अगर ये नेगेटिव है तो हमारे शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स की संख्या को बढ़ा देता है। यानी कि जैसे क्लोरीन के एक ऐसा तत्व है जो कि बैक्टीरिया फ्री करने के लिए ऐड किया जाता है। क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पानी के अंदर जाएगा, और अगर उसमें कोई बैक्टीरिया रहेगा तो उसका एक जो इलेक्ट्रॉन है लेकर अपने आप को स्टेबल कर लेगा, यानी ये चीज बैक्टीरिया को भी मार सकती है, तो वो हमारे लिए जो है और भी नुकसानदायक होता है। तो आइडलियर अगर देखा जाए तो जो पीने का पानी है वो ORP नेगेटिव होना चाहिए। और इसके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी हैं जो आप जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं। बहुत सारी राजकुमार सर ने वीडियोस भी डाली हैं, डॉक्टर मैकार सर ने भी डाली हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा फिर सबसे पहले थोड़ा सा RO का पानी जो कांच के ग्लास में लें, इसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, और एक पीएच लेवल जो इंडिकेशन होता है या पीएच सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं इसको, उसे लें। और उसे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ कलरफुल लाइंस होती हैं, जैसे आपने देखा होगा उसके ऊपर होता है जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो ये रेड से शुरू होता है, रेड का मतलब है 0। अगर आप कोल्ड ड्रिंक का पीएच अगर चेक करेंगे तो देखेंगे आप 0 या की रीडिंग देगा। आप जैसे आगे देखेंगे तो ग्रीन और येलो और ब्लू होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ज्यादा चीज एसिडिक होगी तो वो रेड होगी और या फिर वो ग्रीन होगी, और अगर कोई चीज अगर अल्कलाइन होगी तो वो डार्क ग्रीन होगी या फिर ब्लू हो जाएगी। तो इससे आप डेमोन्स्ट्रेशन में जान सकते हैं। और CMD में जो मिनरल्स हैं वो आयनिक फॉर्म में है। आयनिक फॉर्म में मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी में जाते हैं और तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। 84 मिनरल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स, और इसमें हमें मिल जाते हैं, यानी कि जो रेयर्स मिनरल्स होते हैं जो कि हमें अपने भोजन और पानी से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगह की मिट्टी होती है और पानी होता है। कहीं पर कोई मिनरल्स, कहीं पर कोई मिनरल्स, यानी कि सभी मिनरल एक ही जगह एक ही पानी में मिलना बहुत असंभव है ना। तो एक डैमो में ORP ऑक्सीडेशन रेडिएशन, इसमें ORP इंडिकेटर में उसकी 8 से 10 बूंदे ऐड करें पानी में, ग्लास के अंदर थोड़े से पानी में, जो पानी ट्रांसपेरेंट या वो हल्का हो जाता है, यानी कि वाइट हो जाएगा, जैसे किसी ने इसमें चूना मिला दिया हो। और अब ये दर्शाता है कि यानी पानी पॉजिटिव ORP है, यानी जैसे ही हम ये पानी पियेंगे तो वो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और अगर हम लंबे समय तक इस पानी को पियेंगे तो यह हमारी एनर्जी को लो कर देगा। अब इसमें यदि आप CMD की 4 से 5 बूंदे डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये पानी पिंक कलर का हो जाएगा, यानी इस पानी का ORP नेगेटिव हो गया है। और जैसे हम संतरा खाते हैं उसका ORP -300 से 400 होता है, यानी जितने भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ORP खाते हैं -200 से 300 से 400 होता है। यानी कि अगर पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इनके पॉजिटिव ORP होता है। तो इसमें आपने सुना होगा के जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिसके कारण हमें बॉडी में फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा मात्रा में बनने शुरू हो जाते हैं, और यही फ्री रेडिकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण भी बनते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी बॉडी को जीतने के लिए, यानी कि अच्छे रहने के लिए फ्री रेडिकल होना बहुत जरूरी है, उनसे हम अच्छे से लड़ पाएंगे। ये सब कैसे हो सकता है? सिर्फ CMD के यूज से। तो इसे आपने यूज करना है सभी ने। और अगर किसी को गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, और उसके लिए ये क्या करना है, 60 ml की शीशी को अगर 2 साल लगते हैं अगर बनाने में, ये इतनी आसानी से नहीं बनता, और जो है मसल्स क्रैम्प अगर किसी के होने लगते हैं उसको भी ये सही कर देता है, तो उसके लिए भी काम आता है। तो ये बहुत ही कमाल का हमारा जो है प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। इसे आप यूज करके अपने आप तो रिजल्ट लेंगे लेंगे,
और इसके अलावा अगर आप और लोगों को भी इसका बारे में इसके बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छी एजुकेशन आप लोगों को भी दे सकते हैं और बता सकते हैं और अपने सेल आउट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही मैं बताना चाह रही थी। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच दिशा जी, बहुत ही जबरदस्त और बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी। और मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग अपना आप अनम्यूट करें और दिशा जी के लिए एक जोरदार शानदार क्लैपिंग करें। सच में दिशा जी, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया जी। चलिए फ्रेंड्स, जी वेरी गुड। चलिए अभी हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कोई और व्यक्ति अभी बताने से पहले अभी हम बात करते हैं अब सिस्टम के बारे में, ठीक है दोस्तों? तो एक बार शुरू से शुरुआत करते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हो चुकी, तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं इस चीज से कि सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्डिनल रूल से। तो हमारे इस बिजनेस के जो कॉर्डिनल रूल हैं वो क्या हैं, उसमें कॉर्डिनल रूल नंबर वन क्या है? तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, कोई भी हमारे साथ में बहुत ही ग्रेट लीडिंग लीडे बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं, तो कोई भी हैंड रेज कर सकता है। जिस किसी व्यक्ति ने एक बार बोल दिया है उसको मौका नहीं मिलेगा। चलिए, हमारे साथ में बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, बहुत ग्रेट लीडिंग लेडी, हमारे मतलब कि ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया है, जी सौम्या जैन जी। तो मैं चाहूंगा एक बार सौम्या जैन जी जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करेंगे सौम्या जी का। जी सौम्या, जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। अच्छा, मैं एक बार ना म्यूट ऑल कर रहा हूँ, तो अभी आप जी गुड मॉर्निंग सर। सर आई एम ऑडिबल? यस ऑडिबल। ओके, कॉर्डिनल रूल नंबर वन ये है कि जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करें इस बिजनेस के अंदर तो अपने मेन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस से ही पूछ के उसको स्टार्ट करें, और जब वो काम हमारा खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें नेक्स्ट काम के लिए पूछना है व्हाट इज नेक्स्ट। इसके बाद हमारा आगे का क्या टारगेट है, फिर आगे का आगे हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जो है अपनी एक्टिवनेस इस बिजनेस के अंदर दिखानी चाहिए, तभी हम एक लीडर यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, अभी सब लोग शायद म्यूट हो गए थे किसी वजह से। जी हाँ, कुछ बता रही थी आप सौम्या जी, अब बताइए। जी सर मेरी वॉइस नहीं आई अभी, मैंने बताया कॉर्डिनल रूल नंबर आया वन। था, एक बार दोबारा से थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद सेकंड नंबर को बताने के लिए हैंड रेज करके रखिए। जी जी कॉर्डिनल रूल नंबर वन ये है कि जब भी हम कोई नया काम इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करें तो अपने मेन एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से ही पूछ के हम स्टार्ट करें, और जब वो काम हमारा खत्म हो जाए तो नेक्स्ट काम के लिए हमें अपने अप्लायंस से पूछना है व्हाट इज नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या करना है। इस तरह से हमें पूछते रहना है जब तक हम इस सिस्टम के अंदर वर्किंग में हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉर्डिनल रूल। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सौम्या जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी लोग। ओहो, क्लैपिंग के चक्कर में म्यूट हो गए सब। जी एक बार जोरदार क्लैपिंग सौम्या जी के लिए। और सिल्वर डायरेक्टर हैं, बहुत ही पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। चलिए, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं सेकंड कॉर्डिनल रूल के बारे में। जी तो अभी सेकंड कॉर्डिनल रूल के बारे में कौन बताना चाहेगा? अच्छा, ये जो रूल हम बता रहे हैं ना, तो ये रूल हम जो बता रहे हैं ये हमारे इम्प्लीमेंटेशन में भी आने चाहिए, ऐसा ना हो कि खाली बताने बताने में ही हो। जी मंजू चौहान जी, जी मैम जी जी, सेकंड कॉर्डिनल रूल।
आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अपना आपको अनम्यूट कर लीजिए जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर। सेकंड रूल हमारा ये है कि हमें कोई भी डाउन लाइन से और क्रॉस लाइन से कोई भी बात नहीं, क्रॉस लाइन से तो कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, डाउन लाइन से कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव बात हमको बिजनेस के अकॉर्डिंग मिलती हुई है, बारे में मिलती है, तो हमें अपनी अपलाइन से करनी चाहिए। जी अच्छा, अगर अपलाइन से कोई नेगेटिव बात करनी भी है तो वो किस तरीके से बात करनी चाहिए सर? उसे मैं पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जैसे कि मेरा बिजनेस, मान लीजिए मेरा बिजनेस में ग्रो नहीं हो पा रहा, तो मुझे ये बोलना चाहिए कि जैसे कि मैं बोलूं कि सर मेरे, मैं अपने में क्या काम करूं कि मैं अपने बिजनेस में ग्रो कर पाऊं। वेरी गुड, यानी कि हर चीज को एक पॉजिटिव वे में लेके बात करनी है जी। ठीक है, अपलाइन कोई कूड़ेदान नहीं है कि सारा कूड़ा उसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो अपलाइन से भी आपने जो नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट को भी हमने पॉजिटिव पॉइंट बना के ही बात करनी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बताया। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग और डाउनलाइन से तो बिल्कुल नहीं करनी। डाउनलाइन से क्यों नहीं करनी? आपने कालिदास देखा था कालिदास, मैंने एक बार उसकी इमेज दिखाई थी। चलिए मैं देखता हूँ, अगर वो इमेज मिल जाती है ना तो देख के बड़ा मजा आएगा आपको। एक सेकेंड, मैं भी देखता हूँ कालिदास की इमेज। अच्छा, कोई भी इमेज अगर आपने ढूंढनी है ना तो इस तरह से मिल जाएगी। अभी देखते हो आप, ये देखिए दोस्तों कालिदास, ये यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है शायद। क्या आप देख रहे हैं दोस्तों? वो पीछे से रोक रहा है बंदर, है भाई रुक जा, लेकिन ये किस डाल को काट रहा है जी। मंजू जी दिख गई आपको? तो ये जो कालिदास जी हैं, ये उसी डाल को काट रहे हैं जिस डाल पे ये बैठे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि अगर आप अपनी टीम के किसी भी व्यक्ति से अगर कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये मान लीजिए आप कलयुग के कालिदास हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, बीच बीच में मैं ये जानता रहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा है जिसने लास्ट मंथ का कोई अचीवमेंट लिया था और उसका अभी तक सेलिब्रेशन नहीं हुआ है तो वो भी हैंड रेज कर सकता है। चलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ में डॉक्टर सुधीर कुमार जी हैं जो कि हरिद्वार से हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा सर, और एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ हम वेलकम करेंगे जी डॉक्टर सुधीर कुमार जी का। बहुत ही हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर सुधीर जी। सर वेलकम है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सर का आपने जो है यहाँ पे अपना जो डोमेस्टिक टूर है, जो लग्जरी टूर कंपनी दे रही है, वो आपने क्वालिफाई किया, तो बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया और उसके साथ साथ आपने भी क्वालिफाई किया, जबकि हम आपको ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाते, सब कुछ आपने अपने आप ही किया। तो आप बताइए थोड़ा सा लोगों को अपने बारे में, आपका नाम, आप क्या करते हैं, प्लस कहाँ से हैं, और आने वाले टाइम के आपका क्या गोल है और आपको कैसा लग रहा है जी। सर सर मेरा नाम, के पास एक शहर पड़ता है, वहाँ पे प्रैक्टिस है, अपना हॉस्पिटल है, वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। और जहाँ तक प्रोडक्ट की बात की जाए, अभी जो है कंपनी ने जैसे एमसीडी ड्रो सीएमडी प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है उसी पे ज्यादा वर्क चल रहा है। अब इतना सारा प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए सॉरी है कि ना थोड़ा सा बट ये कि मेन जो बात है कि जैसा आप लोगों ने बताया था जो जो इसके रिजल्ट हैं तो वैसे भी रिजल्ट मिल रहे हैं, और उस तो पेशेंट जब बताता है आके कि सर इसका रिजल्ट है और इसे पीने से परेशानी के लिए ये दिया था जैसे गैस्ट्राइटिस,
तो उसके साथ साथ जैसे पैरों में बर्निंग सेंसेशन हो गया और या फिर जिनकी नसें नर्व सेंसेशन बहुत वीक हो गया तो वो सेंसेशन उनका थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो गया है। अच्छा, तो हाँ, कितने टाइम सर ये कितने टाइम में हुआ है? ये सर जैसे किसी किसी पेशेंट को तो एक ही दिन में आराम होना शुरू हुआ, जैसे बहुत ज्यादा इल कोई पेशेंट है उसकी जैसे ड्रॉप सीधा सब लिंगुअल दी गई तो उसने और जल्दी इफेक्ट किया, और किसी किसी को एक घंटे में भी काफी आराम हुआ और किसी किसी को दो तीन दिन भी लग गए कि उसको आराम हुआ। बट ये कि कंपनी ने और आप लोगों ने मिलके जो प्रोडक्ट दिया है और जो चल रहा है वो वाकई में जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। अगर कोई प्रोडक्ट एज ए मेडिसिन किसी की जान बचा रही है और वो अगर उसकी हेल्थ में 1% भी सहयोग कर रही है तो समझो ये बहुत बड़ी बात है और वो उसके लिए अमृत के तुल्य है। तो ऐसी मेडिसिन को यूज करने में भी अच्छा लगता है कि जिसका रिजल्ट मिलता है। और इसके साथ साथ जैसे आंखों के पीछे स्वेलिंग सी रहती है, थोड़ा सा भारीपन है, तो वो भी जो है लोगों ने महसूस किया कि वो थोड़े से एक्टिव हुए हैं। इसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट जैसे हम कैल्शियम यूज करते हैं और फ्लैक्स हो गया और दो तीन प्रोडक्ट हैं जैसे स्पाइलूना हो गया, उसको यूज कराते हैं तो इन सब का रिजल्ट काफी अच्छा मिल रहा है। ग्लूकोसामाइन है जो है वेस्टिव का, मैं समझता हूँ जैसे और कंपनियों का आता है उसकी अपेक्षा में बेहतर इसलिए है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है किसी भी पेशेंट ने आज तक। जैसे अदर्स कंपनी का क्या रहता है कि वो साइड इफेक्ट ज्यादा बताती है। जैसे अगर वो जॉइंट को अच्छा कर रही है और मेडिसिन तो वो कुछ ना कुछ और खराब कर रही है। पर इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका जैसे कैल्शियम हो गया और जैसे ग्लूकोसामाइन हो गया तो इनका कोई रिपीट साइड इफेक्ट नहीं आया। जैसे बहुत सारा कैल्शियम वाली टेबलेट खाने से अदर कंपनी का क्या होता है ना, वो पथरी भी बन जाती है और पेशेंट बताता है कि भारीपन हो गया, सर चक्कर आ गया, इसको तो झेल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। जब से इसको दिया है पेशेंट रिलीफ से अच्छे से खाता है, उसको 15 दिन बाद वो महसूस भी करता है कि वो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो रहा है, बॉडी स्ट्रेंथ उसकी पहले से अच्छी मजबूत हो रही है। तो टोटल ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रैक्टिस में इस तरह की मेडिसिन और भी चलती रहेंगी जो कि आपकी हेल्थ की सप्लीमेंट रहेंगे या मेन मेडिसिन भी आप यूज करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और एक बात और भी है कि आप लोगों ने जिस तरह से टीम को मैनेज किया है, जिस तरह से मैनेज चल रहा है, मैनेजेबल चल रहा है टाइम का, या फिर एक बहुत बड़ी बात है गौरव जी के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि मैं सेंटर तक पहुंच नहीं पाता और मेडिसिन मेरे पास अवेलेबल हो जाती है, तो ये उनका और आपका भी मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू जी, मेडिसिन आ रही और जो है इतने सब लोग जो मुझे कुछ दुआ देते हैं डायरेक्ट इन डायरेक्ट वे में, तो वो आपको भी जा रही है कि जो उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है जी, बिल्कुल। और आगे मैं चाहूंगा कि यही संबंध हमारा अच्छे से बना रहे और जितना लॉन्ग हम चल सके चलेंगे जी, तो हमेशा के लिए। तो ये सब आपका प्यार आशीर्वाद है जो हम साथ चले हैं और बहुत बढ़िया से मैनेज हुआ है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने एक अचीवमेंट लिया है टूर का, तो इसकी इसको लेने के बाद भी आपकी क्या फीलिंग है अभी? सर लाइफ में कोई भी अचीवमेंट आता है तो हमेशा फीलिंग वेल होती है और बहुत अच्छा लगता है। जब आप एक टीम के साथ में काम करते हैं तो वो अचीवमेंट का स्तर और ज्यादा बढ़ जाता है, और जब आप बहुत बड़े बैनर के तले काम करते हैं और बहुत बड़े बैनर के साथ जुड़ के चलते हैं तो फिर उसका एक अलग ही मजा होता है। क्योंकि बहुत सारे बातें होती है शेयर होती है जो कि आदमी अकेले को नहीं पता होती है, तो 10-20 लोगों से जो ग्रुप में होते हैं या इतना बड़ा एक बैनर है उसके तले जो जो लोग आए हैं वो सब अपने विचार जब रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए कोशिश मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे बैनर के तले हम कुछ सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत भी अचीव कर रहे हैं तो समझो डेली लाइफ की रॉयल्टी है। लाइफ की ये रॉयल्टी है जो आपको बोनस के रूप में मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे टूर हो गया या ऐसे आपको कोई भी अवार्ड मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है तो इस तरह का सर मैं फिर से आप लोगों का बहुत थैंकफुल हूँ कि जो है इस तरह का हुआ है और आगे कोशिश करेंगे कि इसको जो है फर्दर और अच्छा बेटर देन बेटर देन बेटर वो किया जाए। अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा। अभी हमारे साथ में इस मीटिंग के अंदर डॉक्टर महकार सिंह जी भी हैं। आपसे अभी कुछ समय पहले जब आपने स्टार्टिंग की थी तो सभी सभी मुलाकात हुई थी तो मैं डॉक्टर साहब आप भी थोड़ा सा आज दोबारा से मुलाकात कर लीजिए डॉक्टर साहब से। जी शायद डॉक्टर साहब अभी शायद कहीं बिजी हैं, शायद गाड़ी वाड़ी चला रहे होंगे क्योंकि शायद आउट ऑफ स्टेशन थे आज। तो खैर जी डॉक्टर साहब तो मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे न्यू अचीवर डॉक्टर सुधीर कुमार जी के लिए। एक बार सभी लोग जोरदार क्लैपिंग धन्यवाद सर। धन्यवाद कैसे पूरी टीम को दिल की पूरी गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर महकार सिंह रहे थे उनकी लाइन बड़ी अच्छी रही। उनके जो भी बताए गए पॉइंट थे वो काफी बेनिफिशियल हैं लाइफ में। मैं फिर से बताऊंगा बैनर तले बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनसे हर दिन कुछ ना कुछ नया हम सीख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बहुत कुछ आप देखेंगे डॉक्टर साहब जब इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं वो बिजनेस में ही नहीं हमारी पूरी लाइफ में हमारे काम आते हैं। चलिए थैंक यू जी थैंक यू डॉक्टर साहब। सॉरी मेरी वॉइस ही नहीं आ रही थी। चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि सेकंड कोऑर्डिनल रूल के बारे में कि सेकंड कोऑर्डिनल रूल हमारा क्या था। सेकंड कोऑर्डिनल रूल था कि नेगेटिव शेयर ना करें। तो मैं ये कहूँगा कि नेगेटिव तो आपने जो है ना अपनी फैमिली के अंदर भी शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसके साथ कोई घटना होने से बची, हो सकता है उसका एक्सीडेंट होने से बचा, हो सकता है वो बाल बाल बचा कि वो कहीं गिर जाता गड्ढे में गिर जाता, हो सकता है कोई ट्रक उसके ऊपर से उतर जाता, कुछ भी हो जाता, बहुत उसकी गाड़ी से टक्कर लगने से उसकी बच गई है ना। तो इस तरह की कोई भी बात अगर आपके साथ होती है तो वो बात आपने अपने मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी या अपने जो फैमिली मेंबर है उनके साथ में शेयर नहीं करनी। अगर कुछ हुआ है तो उसको एब्जॉर्व करिए, उसको खत्म कर दीजिए वहीं पर, क्योंकि वो चीज हुई नहीं है। ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए वो बात आपने बताई अपने किसी फैमिली मेंबर को तो ये बताइए उसको बताने से
वो हादसा खत्म तो नहीं हो जाएगा, आपकी लाइफ से डिलीट तो नहीं हो जाएगा, लेकिन जब वो फैमिली मेंबर, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके मम्मी पापा या भाई बहन, जब उस हादसे को आपके मुंह से सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा, उनकी फीलिंग कैसी होगी, उनको बड़ा दुख होगा, दर्द होगा, है ना, और शायद उनके माइंड में एक टेंशन भी होगी कि यार अगर ऐसा हो जाता भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, तो ये तो बहुत बुरा होता, है ना। और जब इस तरह की बातें आप करेंगे तो क्या होगा, फिर जब आप घर से बाहर जा रहे होंगे तो उन फैमिली मेंबर के दिमाग में क्या होगा कि अरे ये आज फिर बाहर जा रहे हैं, तो वो जो एक्सीडेंट आपने बताया था वो दोबारा से उनके माइंड में घूमना शुरू हो जाएगा। वो बार बार आपको फोन करके पूछेंगे, अरे भाई ठीक है, कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, अजी ठीक टाइम पे पहुंच गए। तो इस वो कहीं ना कहीं उन चीजों को कंफर्म कर रहे होंगे जो इमेज आपने पहले बनाई होंगी। तो मेरी बात से सभी लोग एग्री करते हैं? तो अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट, कोई भी नेगेटिव बात, डाउनलाइन और क्रॉसलाइन को छोड़ दीजिए, उनको तो करनी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज अगर आपके साथ घटित होती है और वो हादसा गुजर चुका, अब उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है, तो आपने उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरी बात से एग्री करते हैं तो लिखिए चैट बॉक्स के अंदर हाँ। मैं चैट बॉक्स के अंदर आप सभी लोगों की हाँ का इंतजार कर रहा हूं। जी, तो और अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं थर्ड कॉर्डिनल रूल। थर्ड कॉर्डिनल रूल, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो मैं चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि कौन व्यक्ति है जो थर्ड कॉर्डिनल रूल को एक्सप्लेन करना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से दवाई दी जाती है ना, दवाई से, सप्लीमेंट से क्या होता है, बंदा हेल्दी होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे परहेज भी बताए जाते हैं, क्योंकि अगर परहेज ना करें, ठीक है, तो हमारे साथ में जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान लीजिए ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है, दवाई बढ़िया चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परहेज नहीं रखा उस व्यक्ति ने, तो वो दवाई या वो जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर असर करेगा या नहीं करेगा? चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मान लीजिए डॉक्टर साहब, आपने जो है ना किसी को दवाई भी दे दी, सीएमडी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया उसे, लेकिन उस व्यक्ति को बताया भाई तुझे ये नहीं खाना, जैसे फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड का पेशेंट है, उसे आपने बता दिया भाई तुझे प्रोटीन नहीं खाना, और वो दवा के जो है ना प्रोटीन शेक पी के एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो जो दिया गया जो उसको ट्रीटमेंट है, उसको फायदा करेगा या नुकसान करेगा जी, या उसकी दवाई का फायदा मिलेगा उसको पूरा? क्यों डॉक्टर साहब, अनम्यूट कर लीजिए पहले। तो सर ये बहुत बहुत नुकसान देगा सर ये। अच्छा, अगर परहेज नहीं करेंगे तो दवाई भी कुछ नहीं कर देगी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। भी अगर मान लीजिए यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और तो दवाई तो दे दी हमने कि भाई तुम ये खा लो, और परहेज बताया नहीं, परहेज नहीं करने का तो मतलब इसके लिए क्या, तो हर चीज के लिए है कि जो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है वो जरूरी है जीवन में, बीमारी नहीं जीवन में वैसे भी कोई काम है, तो उसके जो बैड साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए जो परहेज करना है या उनको छोड़ना है तो वो तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे, निगेटिव ही आएंगे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने जी डॉक्टर साहब, आपको क्या विचार है? ये भी हमारे डॉक्टर बीके शर्मा जी हैं, डॉक्टर सुधीर कुमार जी हैं, जो डॉक्टर वाली बात है डॉक्टर से पूछनी चाहिए वैसे। सर ने ठीक कहा है, देखो जिस कारण से कोई रोग हुआ है, किसी भी कारण से कोई रोग हुआ है, आप उस कारण को ही नहीं छोड़ पाएंगे तो रोग बढ़ता ही जाएगा। आप फिर तो ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट उसके पीछे पीछे रहेगा और रोग जो है बढ़ता बढ़ता रहेगा। तो आप अगर उसे बहुत अच्छे सोना भी खिला देंगे और परहेज नहीं हो पाएगा, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, बीड़ी पीने की वजह से उसके पैरों में नेक्रोसिस हो गई, उसकी उंगलियों में कालापन शुरू हो गया, और वो फिर डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने कहा जी इसमें कालापन शुरू हो गया, नसें मर गई हैं और आप इसे ठीक करो, आप इसे ठीक करो कैसे भी करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बीड़ी पीना छोड़ नहीं सकता, ये मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी, मैं तो ये मुझसे हो रही नहीं, चाहे मुझे खाना ना दो लेकिन बीड़ी चाहिए मुझे। ऐसे टफ केसेस में बहुत कठिन हो जाता है कि डॉक्टर उसे ट्रीट कर पाए।
क्योंकि वो नसें खराब हुई है, वो बीड़ी से ही खराब हुई है, खराब हुई है। तो सर ने जैसे कहा कि ठीक करना है तो उसके लिए पहले उसका रोकथाम जरूरी है, जो कि परहेज में आती है, बाकी इलाज तो फिर सेकेंडरी है। अगर वो रोकथाम पे ही रहेगा तो 50% ठीक हो जाएगा, मेडिसिन तो उसके बाद 50% काम करेगी। नहीं बिल्कुल सही कहा सर आपने, मतलब कि दूध का एक गिलास उतना फायदा नहीं करेगा जितना जहर की एक बूंद नुकसान कर देगी। हाँ सर बिल्कुल ये है सर बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और मैं दोस्तों यही बताऊंगा कि ये जो दो तीन काम है ना, जैसे कि बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए तो बहुत सारे काम है, लेकिन असफल होने के लिए जो तीन चीजें है ना, उन्हीं तीसरी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बारे में हमारी बहुत ही ग्रेट लीडिंग लेडी हैं शमा मैम, तो ये थोड़ा सा बताएंगी आपको कि थर्ड कॉर्डिनल रूल के बारे में। जी मैम वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सर यही है कि जैसे नेटवर्किंग में हम आते हैं तो जैसे दो रूल्स बताए गए हैं, इसमें तीसरा रूल भी होता है, यानी कि जब हम इस बिजनेस में आए और करने लगे तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी कई लेग्स होती है, यानी कि हमारे अपोजिट भी लोग होते हैं, जैसे हमारे सर हैं, हम उनकी एक लेग में, उनकी अदर लेग भी है, तो अब हम उनसे हाय हेलो तक तो रखें, लेकिन अपना जो भी बिजनेस है हम उसको लीक ना करें, ना उनसे उनके बारे में पूछें और ना हम उनको अपने बारे में बताएं, क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है तो वो हमें अपने ही अपलाइन से करनी है, ना कि अदर अदर लेग वाले से। तो अगर हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो, और अगर कोई बात कर रही है तो हम सलाम कहते हैं ना कि हाय हेलो, तो हम लोग कर ही सकते हैं। और सबसे मेन बात इसमें ये भी है कि यहाँ पर बहुत से बिजनेस होते हैं, क्योंकि यहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों आते हैं, तो हमें जैसे हम लेडीज हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है, ये किसी अपलाइन के साथ जाना है, किसी जेंट्स के लिए साथ जाना है, या अपनी डाउन लाइन है वो भी अगर जेंट्स है, तो हम अपने घर के कोई ना कोई मेंबर को साथ रखें, कोई बहन हो कोई भाई हो, हम अकेले किसी के साथ ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी इज्जत को जो है ना वो खुद ही यानी कि प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए हम इस चीज का भी ध्यान रखें कि वैसे तो सभी बहन भाई होते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों को ला भी सकते हैं, लेडीज को भी ला सकते हैं, जेंट्स को भी, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और हमें अपनी निगाह भी ठीक रखनी है, अगर लेडीज है उसको जेंट्स है उसको लेडीज के लिए, तो इस चीज की अगर हम लोग लगातार हम इस चीज पे ध्यान रखेंगे तो हम अपना बिजनेस भी अच्छा कर पाएंगे और हम एक दूसरे की इज्जत को बरकरार रखते हुए भी हम आगे काम कर पाएंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने अपलाइन से कहिए कि जैसे पहले बताया कि डाउनलाइन से हमें कोई बात नहीं करनी है, तो जो कि जो हर सिचुएशन से गुजर चुके हैं हमारे जो अपलाइन है, जो कि हम लोग अब गुजर रहे हैं वो पहले गुजर चुके हैं, तो आप अगर अपने अपलाइन से ही सब बात करेंगे तो वो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, या आपको परेशानी आ रही है, या बिजनेस को लेके कोई परेशानी आ रही है, या बिजनेस डाउन हो रहा है, या और अच्छा कैसे करना है, तो वो आपको आपकी अपलाइन ही बता सकती है। थैंक यू सर, बहुत दिन बाद बताया और मैं कहीं बैठी हूँ बहन के, तो जितना मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया, और मैं चाहूंगा एक बार शमा मैम के लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी लोग, सभी लोग जोरदार शोरदार क्लैपिंग करेंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया शमा मैम। और जैसे कि थर्ड कॉर्डिनल रूल है हमारा कि किसी के भी ईगो, पैसे से, ईगो से, ठीक है, हमें खिलवाड़ नहीं करना, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं, अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको एक बंदे की जी। एक बार क्या हुआ, एक हिंदू था, और वो हिंदू जो है ना वो बौद्धिस्ट धर्म को अपना रहा था उस टाइम पे, और जब वो बौद्धिस्ट धर्म को अपना रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरी बात वॉइस आ रही है ना आपको? तो जब वो बौद्धिस्ट धर्म को अपना रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो बौद्धिस्ट कुछ कुछ बोलने लगा, अरे तुम्हारा राम ऐसा है, तुम्हारा राम वैसा है, ये देखो हमारा बौद्ध धर्म कितना बढ़िया है, ये वो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हुआ क्या कि
वो जो बौद्धिस्ट धर्म अपना रहा था हिंदू, ठीक है, वो एकदम से रुक गया। उसने कहा कि भाई तुम्हारा बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे धर्म के बारे में कुछ गलत बोलो, है ना। ये तो सिर्फ मैंने एक धर्म की बात करी, तो यानी कि उस व्यक्ति ने कहा कि भाई पहली बात तो मैं अब तुम्हारे साथ में धर्म परिवर्तन करता नहीं, अगर करूंगा भी तो तुम्हारे थ्रू नहीं करूंगा, ठीक है। तो यानी कि आपने किसी की भी ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना, वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप शायद हो सकता है उनसे ज्यादा सक्षम हो, आप चूंकि बातों में बहुत ज्यादा बातें बनानी आपको आती हैं, या किसी भी तरीके से। तो यानी कि हमने किसी की भी ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी, जी सबसे पहला पॉइंट यही है, ठीक है। किसी से पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है। चलिए यहाँ पे हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। सर वही मैं बताने जा रहा था जो भी आपने बता ही दिया कि एक हाँ। तो उसमें जो है नेवर मैच विद एनीबॉडीज मनी, किसी के भी पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि नेटवर्किंग में हम है तो हमें हमारी डाउनलाइन है या अपलाइन है, हमें अपलाइन से सामान मंगाया तो उसके पैसे देने हैं या डाउनलाइन का हिसाब किताब करना है, तो उसमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, तो इससे वरना बिजनेस पे फर्क पड़ता है। तो कभी भी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ ना हो, उसका पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज लेडीज का सम्मान, अभी बताया मैम ने जैसे कि लेडीज होती हैं, तो उसमें जो है बिजनेस में जब आते हैं तो शुरू शुरू में लोगों को पता नहीं होता, कई मान लीजिए लेडीज है उनको कहीं जाना है, उनके साथ प्लान दिखाने जाना है, कुछ करना है, तो उसमें कोशिश ये करें कि उनका घर का कोई ना कोई मेंबर साथ में फैमिली मेंबर रहना चाहिए, तब जाए, अदरवाइज बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। भले ही हम ठीक हों उसके बावजूद भी ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान रखें तो बिजनेस में मार नहीं खाएंगे। बाकी राजकुमार जी ने सब चीजें बताई दी हैं, ये मेरे से एक मनी वाला फैक्टर रह रहा था जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी वैसे तो इस पर बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन अब समय भी हो रहा है तो धीरे 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 सारी चीजें खुलती जाएंगी तो सब समझते जाएंगे जी। थैंक यू सर। बिल्कुल, बल्कि मैं तो यहाँ पे भी कहना चाहूंगा, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया तो बहुत अच्छे से, एक बार सर्कल जोदा क्रैपिंग। अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं किसी, मान लीजिए आप जेंट्स हैं और आपने टाइम लिया किसी लेडीज से, तो जब लेडीज को जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देने, प्लान देने या प्रोडक्ट के बारे में आप बताने के लिए जा रहे हैं, तो ये श्योर कर लीजिए कि उस टाइम पे उसके घर में उसके हस्बैंड हों, उसकी सास ससुर या कोई भी व्यक्ति, उसका भाई कोई ना कोई वहां पे मौजूद हो, वो अकेली ना हो। और अगर आप वहां पे गए हैं और इवन आप गेट तक पहुंच भी गए हैं और आपको पता चलता है कि घर में वहां पे और कोई नहीं है, वो सिर्फ वो ही है, तो आप ये भी मत कहिए उसे कि जी मैं ऐसे नहीं आऊंगा, आप चूंकि अकेली हैं या कोई लेडीज जा रही है, तो वो भी इस तरह से ना कहिए। आपने कहना है कि मैं सिर्फ आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए आया था या आई थी कि जरा मुझे जो है ना एक बहुत अर्जेंट काम निकल गया, तो मैं पहले उस काम को करके आऊंगा या आऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको कॉल करूँ, ठीक है। क्योंकि आप ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, ठीक है, सब लोग ठीक हैं, लेकिन वो जो लोग देख रहे हैं ना, जब आप किसी के घर के अंदर जा रहे हैं तो जो लोग हैं, जो कोई पड़ोसी है, वो जो आपको अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए देख रहा है, ठीक है जी, उसकी जुबान पे आप ताला नहीं लगा सकते, ठीक है दोस्तों। तो हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो किसी के साथ में पैसे के साथ में, ईगो के साथ में, स्पाउस के साथ में, ठीक है, खिलवाड़ ना हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों छोटी सी बात, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन छोटी सी बात से ही ये समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का इस बिजनेस के अंदर दी एंड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। और अभी दो मिनट हमारे पास हो रहे हैं। आरजू आपका भी हैंड रेज हुआ था, आप कहाँ हैं आरजू? शायद है नहीं अभी, चलिए कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, तो और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और परसों को कल हमारा रेस्ट रहेगा क्योंकि संडे के दिन हमारी छुट्टी होती है इस मीटिंग की, और परसों को हमने ये करना है। जी शमा मैम, कुछ कहना चाहती हैं आप? नो सर। अच्छा, ओके ओके, चलिए तो मंडे के दिन हम कुछ और स्पेशल करेंगे। और चूंकि उस दिन हमारा जो है दिन होता है मेडिकल का,
डॉक्टर साहब डॉक्टर मैकार सिंह जी के वो सेशन लेते हैं, तो मैं चाहूंगा उस दिन हमारे साथ में जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो सब मौजूद भी हों, और जो भी आपके पास टेस्टिमोनी इकट्ठे हो रखे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो सभी टीम के लोगों को हम एक्सप्लेन करें। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग का हमारा टाइम हो गया है, और मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जितने भी कुछ नए लोग हैं या कुछ लोगों ने पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, तो आपने इस मीटिंग से रिलेटेड कोई भी आपका एक्सपीरियंस है या कोई सजेशन है, या कि मीटिंग आपको अटेंड करके कैसा लगा, और इस मीटिंग ये मीटिंग कितना बड़ा टूल साबित हो सकती है हमारी सक्सेस के लिए, तो जो कोई व्यक्ति अगर कुछ इसके बारे में शेयर करना चाहता है तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, या मैं म्यूट का ऑप्शन खोल देता हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी शेयर। अनम्यूट करके भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कोई करना चाहेगा जी? जो भी नए व्यक्ति हैं, चलिए डॉक्टर साहब अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, जैसे आज की मीटिंग आपने पहली बार अटेंड करी, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा आज की मीटिंग का? अनम्यूट कर लीजिए पहले जी। ठीक है, आज की मीटिंग ज्वाइन करके मुझे अच्छा लगा, और नॉलेजेबल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखने को मिला है, तो अगर पर डे भी थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बेटर बनने में कुछ देर नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था पिछले साल, उस बुक में लिखा था कि अगर आप डेली अपने आप को 1% अपडेट करते हैं, 1% अगर डेली अपने आप को अपडेट करते हैं, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो कितना परसेंट अपडेट होते हैं जी हम? 3700% होंगे सर। हाँ, 365% कितना ये सर? 3700% हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ लोग सोचेंगे 365%, लेकिन 3700-3800% अपने आप को हम अपडेट कर लेते हैं अगर डेली अपने आप को सिर्फ 1% भी अपडेट करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच अगेन आज। थैंक यू सर जी, थैंक यू टू यू ऑल टीम। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो फिर हम मंडे में मुलाकात करेंगे, कल का दिन का हमारा रेस्ट होता है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच।